बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं है अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की बरकत दे, आसानियां अता फरमाए। सलाम। और ये वीडियो तकरीबन 4-5 हिस्सों में है, उसको पूरा देखिएगा। नाज़रीन ये देख रहे हैं, मैं बेगम को दवाई देने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपके सामने है, ये पकड़ो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमारा वक्र भी आया हुआ है। दूसरी और ये तीसरी गोली है बेटा, करीब आ जाओ। इसकी कैफियत बिल्कुल ऐसी है कि आप बोल नहीं सकते। इसका गले का बड़ा मसला बना हुआ है, साथ साथ बुखार भी है और दर्द भी है, चक्कर भी आ रहे हैं। इंशाल्लाह ये टेबलेट एक एक खुराक है और शाम को बाकी जो है कुछ। पिछली तौर पे हमारे यहाँ शाम को आता है, असल में डॉक्टर मगरब के वक्त, उससे पहले नहीं होता। ये ले, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लो 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 लो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह माफी अल्लाह शाफी अल्लाह काफी, अल्लाह माफी अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। ये लो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दुआ करनी है अल्लाह सेहत दे, शफा दे, और मेरे बच्चों की ये वायरस है और बच्चे इसके बगैर अधूरे हैं। और हमारा वक्र देखें आपके सामने, उसे नहीं मालूम कि उनकी माँ किस हाल में है, लेकिन सच तो ये है कि मेरे बच्चों ने कभी अपनी माँ की आवाज नहीं सुनी। कितनी ये बच्चों की कुर्बानी है। और मेरी तो खैर है, कोई मसला नहीं है, सब्र करते हैं, अल्लाह इसका अजर अजीम अता करेगा। और लो थोड़ा ले लो, अब गर्मी बहुत है, गर्मी पी ले ले ले, ले। कह रही नहीं, आज से बोला भी नहीं जा रहा, सलाम भी नहीं किया जा रहा। दुआ में याद रखना और दुआ क्या करें, अल्लाह ने खुश रखे, बच्चों को नेक बनाए और माँ बाप का सहारा बने रहे और तमाम औलादों को अल्लाह नेक बनाए और अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया और आखिरत की भलाई दे। हम दुआ कर सकते हैं, बाकी दुआ में याद रखिएगा। हमारी जरूर हेल्प क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो इन बेरवजह नहीं किया हुआ। ये देखिए आपके सामने पीछे लेट रही है, और कोई हमारी बात बुरी लगे तो उसके लिए माजरत, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर करें और हमारी वीडियो को आगे से आगे भेजते रहा करें। और बस कहने को तो बहुत कुछ है, यहाँ मैं इजाजत चाहता हूँ, फिर किसी और वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आपने वीडियो देखी, बेगम मेरी बीमार थी और इसका इलाज कराया, अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ बेहतर है, सेहत याब हो रही है, इंशाल्लाह मुकम्मल ठीक हो जाएगी। दुआ करना, आपकी दुआओं की जरूरत है, आपके खलूस और आपके प्यार मोहब्बत की जरूरत है। और नए बहन भाइयों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी मेहरबानी कि आप हमारी वीडियो देखते हैं। बाकी दुआ में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।